हम काम करने जा रहे हैं, तो हमें जब हम सीवर में से निकल के आते हैं तो कहते हैं भाई हमें थोड़ा पानी दे दो नहाने के लिए, नहाने के लिए और थोड़ा पीने के लिए पानी दे दो, प्यास लग रही है। तो कहते हैं वहाँ से लिया 200 रुपये की बोतल, बाहर से ले लो 200 रुपये की बोतल, हम अपने घर का पानी आपको हाथ उठ नहीं लगाने देंगे। घृणा करी जाती है हम लोगों से। जी मेरा छोटा भाई जोगिंदर सन ऑफ धर्मपाल, दिल्ली जल बोर्ड में लाजपत नगर में सफाई सीवर की कर रहा था 2017 में 6 तारीख 8वां महीना। तो सफाई करते हुए उनकी 3 लोगों की डेथ हुई। एक दो फ़ोन आए रिलेशन में से कि भाई टीवी पे ऐसे से बात हुई है और वहाँ पे जोगिंदर काम कर रहा था, एक बार पता कर लो वहाँ पे जाके। हम लोग गए, बड़े वाले भाई गए, ये गए, मैं गया साथ में। उसके बाद फिर पुलिस वाले यहाँ पे पहुँचे, हम तो निकल चुके थे यहाँ से। फिर पुलिस वालों ने यहाँ पे आश्वासन दिया आके कि भाई आपका भाई ऐसे ऐसे जोगिंदर है और वैसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है ये सीवर में, तो उसके उसमें गैस लगने की वजह से वो आईसीयू में है। पर आईसीयू में नहीं था वो, तो हमें ही पता था कि भाई जब गैस लगी है तो उसके लिए कोई पॉसिबल है कि कोई बच जाए उससे। पहले से मालूम होता है, जान हथेली पर रहती है कि भाई ये गैस जो होती है लगती है तो किसी की आंखों में लग जाती है तो अंधा हो जाता है। अगर किसी ने सीवर खोल के देखा और झांक लिया या उसको खोल के हिला दिया, आंखों में लग जाती है वो गैस, आंखें रेड हो जाती है, आंखों की रोशनियाँ कम होती चली जाती है दिन पर दिन। और अगर किसी ने चेक नहीं करा तो नीचे उतर गया तो फिर तो गला चौक करते हुए, जितने आप सांस लेंगे उतना चौक करता हुआ चले जाएगी। मुश्किल से मुश्किल 1.5 मिनट के अंदर डेथ हो जाती है। 1.5 मिनट के लिए आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। अगर आप नीचे सीवर में चले गए और आपने एक बार अंदर चले गई गैस तो आवाज़ निकलनी ही बंद हो जाती है। आप इतना नहीं कह पाएंगे कि बचाओ, इतना भी नहीं कह सकते, ऊपर खींच लो या बचाओ। वहीं बंदा तड़पने लग जाता है अंदर ही और 1.5 मिनट के अंदर डेथ हो जाती है। 1.5 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं है कि भाई 1.5 मिनट अगर वो बंदा जी भी जाए या सांस भी ले ले, हॉस्पिटल जाने तक का भी वक्त नहीं होता हमारे पास। सारे उपकरण हैं, कम से कम भी 40 से ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आदमी को भेजना भी है उसकी जो किट है 40 से ज़्यादा चीज़ें, जिसमें आपके प्रोटेक्शन चीज़ें सारी प्रोटेक्शन की है, ग्लव्स से लेकर जूते से लेकर ऑक्सीजन मास्क तक सारी चीज़ें। सर जैसे कि इस गैस में ऐसा होता है कि हमारे कई जैसे समाज के लोग काम करते हुए गुजरे हैं और दिल्ली सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से भी कई गुजरे हैं, हमारे आपस में बातें भी होती हैं। जैसे ये गैस ही इतनी ख़तरनाक होती है कि वो नीचे एक बार आदमी चला गया तो जिंदा वापसी तो आना नहीं, उसका एक रिजल्ट वो होता है हिसाब के भाई गैस का पता लगाया जाता बाहर से ही, ढक्कन खोलने से पहले ही गैस का पता लग जाता है। मशीनें होती हैं कुछ होती हैं तो उससे पता लग जाता है, कुछ सुविधाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें ले कर चलना पड़ता, पर क्या है कि हमारे बीच में ही सब गफलतबाजी करके वो सुविधा नहीं दी जाती। और जो आदमी मजबूरी में दिहाड़ी के लिए निकला वो तो दिहाड़ी पर जाएगा करेगा, वो तो सोचेगा जल्द से जल्द अपनी दिहाड़ी पूरी तय कर लूँ और इस चक्कर में रहा ना तो सामान आएगा ना काम होगा ना दिहाड़ी लगेगी और सुविधाएं नहीं मिलती हैं। यानी सुविधा तो बहुत है, दिल्ली सरकार खूब देती है पर आगे तक यहाँ तक पहुँचती नहीं कर्मचारी के पास में। तो उन्होंने को तो सर उसी महीने के अंदर 10 डेथ हुई हैं। ये सर सफोकेशन दिल्ली के अंदर ही घिटौनी में मरे 4 लोग उसी दौरान उसी महीने में। एक ये अरविंद अस्पताल के पास में सीवर की सफाई करते हुए वहाँ मरा एक व्यक्ति। अपने तो यही गुजारिश है कि जो आगे समाज काम कर रहा है उन्हें मशीनों का वो करा जाए और जो हमसे जो हमारे घर के व्यक्ति लोग गुजरे हैं और हमारी जो उन्होंने हमसे जो वादे करे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए। हमें आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बाद में कुछ तो करा, कुछ उसके बाद में कुछ वादे ऐसे भी करे जो अभी तक भी पूरे नहीं हुए। दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी देने की भी कही और वो नौकरी भी अभी तक हमें नहीं मिली। गैस के बारे में यह है कि हिम्मत नहीं होती बंदे के उतरने के लिए, लेकिन एक मजबूरी है। मजबूरी यही है कि भाई प्राइवेट नौकरी क्या करे आदमी। बहुत से ये अभी होता है कि हमें चेक इन करना होता है, माचिस की तिली डालनी पड़ती है, अगर गैस खतरनाक है तो उसमें आग लग जाएगी तुरंत। वो गलती उनकी यही है कि वो डायरेक्ट उतर जाते हैं,
कुछ तो आजकल नशे के अंदर काम कर रहे हैं लोग। मैं सीधी बात बोलूंगा, मैं भी इसी कार्ड से हूँ। क्या नशे में होते हैं वो लोग, कभी चेक नहीं करते हैं वो लोग, क्या देखते नहीं हैं आकर? अब वो देखते नहीं ना, बस यही वाला हिसाब है कि अपने नशा हो गया, अपन उतर गए नीचे। बिना पिए तो ये काम भी नहीं होता, ये मैं भी पीता हूँ ऐसी बात नहीं, लेकिन पूरा चेकअप करने के बाद। तो एक वहाँ पे पानी रुका हुआ था, नाला नहीं चल रहा था, वहाँ पे एक बंदा घुसा था, वो नाला खोला था उसने। वो जब नाला खुलने के बाद वो खुद होपलेस हो गया, हाँ बेहोश हो गया। तो ये पीने के चक्कर, बिना पिए वो घुसा था, अगर पी लेता तो उसे इतना वो नहीं होता। पहली बार जब नाले के अंदर गया, आपको कैसा महसूस हुआ? सर मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे घिन सा चढ़ा था, मुझे भी होपलेस सा हो गया था। मैं जब इसे मैं बीमार पड़ गया, मुझे दवाई दिलाई थी वहाँ, खुद सुपरवाइजर लेके गया था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाकर मैंने कान पकड़ लिया, मैंने आज के बाद नाले में नहीं घुसूंगा। मैंने घर फ़ोन करा, मैंने कि मम्मी मेरे साथ ये सीन हो गया था, मैंने कि आज के बाद नहीं घुसूंगा। मम्मी ने मना कर दिया था।